नमस्कार, स्पीड स्टडी 247 चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित बिहार राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए राज्य आधारित प्रश्नों का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अद्वितीय संकलन बिहार सामान्य अध्ययन शॉर्ट पेपर्स वीडियो कवर किया जा रहा है, जिसका आज तीसरा पार्ट है, बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, जो पेज नंबर 34 से 40 तक रहेगा। बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? डी, गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फाल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं, अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलप्रपात नहीं है। ए, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी सात सहायक नदियों के, जो कि इस प्रकार हैं, सुत कोसी, तांबा कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में तीन नदियों में बंट जाती है, तामूर, अरुण एवं सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में सही समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहर खुंड जलप्रपात अवस्थित है? सी, कैमूर में। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह जलप्रपात दुर्गा नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ए, गया में। ब्रह्मयोनि हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनि का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका सही जवाब है बी, उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। ध्यातव्य है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन फर्स्ट, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन सेकंड, दक्षिण पूर्व जलोढ़
जलोढ़ मैदान जोन 3A, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B। अगला क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बी पटना जिला। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? डी भोजपुर में। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर 73.8%, औरंगाबाद 71.1% तथा पश्चिमी चंपारण 62.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई है। अगला पॉइंट है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? सी पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पीडमोंट स्पैम, तराई मिट्टी, गंगा की जड़ोल मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? डी कोसी मगध। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश पुल
जिसे जेपी सेतु भी कहा जाता है, निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सी गंगा नदी। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना पुल है जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बेगी बील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह पुल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार के भू गर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? सी बिहार का मैदान। बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तराई का क्षेत्र, यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। अगला पॉइंट है, बांगर का क्षेत्र, यह पुराना जड़ोल क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। खादर का क्षेत्र, इसका विस्तार गड्डक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। अगला पॉइंट है, पुरानी जड़ोल मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए पटना और गया में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास और औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ए कुर्सेला में। कोसी नदी कुर्सेला, जो कि कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिलों से प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सन कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी आदि हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? बी रोहतास। दिए गए विकल्पों में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती हैं, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोध गया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ए पश्चिमी चंपारण। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, जहाँ 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाए जाती हैं। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सी पटना में। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? सी 12 जिले। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये निम्नवत हैं, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है बी कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी तीन प्रमुख नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। राष्ट्रीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ए रोहतास, रोहतास पठार। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को तीन भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ियों का अवशिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सी खगड़पुर पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खगड़पुर की पहाड़ियां हैं। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है तथा इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? बी नवीन जलोढ़क। बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़क मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? डी पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धांधा मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है।
अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सी गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ए अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सांभर झील राजस्थान में और कामा झील रूस में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बी सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियाँ हैं कनहर, रिहंद व उत्तरी कोयल। अगला क्वेश्चन है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कोशी नदी। कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। यह समझौता 1954 में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण है। अगला को प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सी बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान व महानंदा आदि नदियों से भी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? ए उत्तर बिहार में। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही से आवर्ती खतरे में है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियों महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी जो नेपाल में उत्पन्न होती है, के लिए असुरक्षित है। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? बी गंडक नदी को। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक नदी को। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है तथा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बी 56,680 वर्ग किलोमीटर पर। गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु गंगा
वह ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? डी 1954 ईस्वी में। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953 से 1954 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा से मिलने से पहले कई शाखाओं में बंट जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? सी करमनासा, गड्डक और घाघरा। करमनासा, गड्डक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। करमनासा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। गड्डक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। यह नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नाम्पा नेपाल से निकलती है तथा यह 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। सूची फर्स्ट, कृषि जलवायवी क्षेत्रों को। सूची सेकंड, बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है बी। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, बिहार का क्षेत्रफल प्रतिशत 29.87%। दक्षिणी बिहार मैदान 23.71%। छोटा नागपुर पठार 26.14%। छोटा नागपुर की पहाड़ियां 20.28%। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.87% क्षेत्रफल में, दक्षिण बिहार मैदान 23.71% क्षेत्रफल में, छोटा नागपुर पठार 26.14% क्षेत्रफल में तथा छोटा नागपुर पहाड़ियां 20.28% क्षेत्रफल में फैली हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? बी नेपाल। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? डी पूर्वी गंगा मैदान। बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान दो भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? सी गड्डक, कमला और बागमती। सरयू, घाघरा, गड्डक, बूढ़ी गड्डक,
बागमती, कमला कमला बलान तथा कोसी नदियाँ गंगा में उत्तर से आकर मिलती हैं। गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पचाने, कर्मनासा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है ए बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक फैला है। काले, भूरे, पीला एवं हल्का पीले रंग की इस मिट्टी में क्षारीय एवं अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसका डी विकल्प सही है, पहला, तीसरा और चौथा। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 52.27% क्षेत्र पर विस्तृत है, तथा दक्षिणी गंगा का मैदान 33,670 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल के समय तीनों विकल्प पहला, तीसरा और चौथा सही थे। नवीनतम आंकड़े वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 53,058 किलोमीटर है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का 31% नहरों द्वारा सिंचित होती है। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? डी पश्चिम बंगाल। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? ए उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भौसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? बी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का गम या बिहार का शोक कहा जाता है। यह गंगा की बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है तथा यह भारत में बिहार राज्य से प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत नुकसान होता है। इसी कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? सी पूर्णिया और मानभूम। निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम।
बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मान भूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। त्रिवेणी नहर में किस नदी के से पानी आता है? सी गंडक नदी से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया जहां से त्रिवेणी नहर निकलती है। उल्लेखनीय है कि गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ तथा 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? बी 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल 173,877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीनतम राज्य झारखंड सृजित हुआ जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% था। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है डी गंडक से। गंगा की सहायक नदी गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इसने सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है? बी दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है डी इन सबों में से नई। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीनतम पर्वत श्रेणी है तथा यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है बी एक भ्रंश घाटी में। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गढ़ी, कोनार, जमुनिया, बराकर आदि हैं। बराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है। इस नदी की को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख नदी है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर है जो रांची में स्थित है। यह भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है या एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर।
बिहार बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन एवं दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश में अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ए, इसका सही जवाब है ए, ये चारों, गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। गंडक नदी उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है। यह नेपाल एवं बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी और सप्तमंडल कहते हैं। यह वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के पास मिलती है। यह बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह बिहार में बहने वाली गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे लंबी 760 किलोमीटर सहायक नदी। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है, जो पालोम की जो पलामू की जो पलामू की चौराहा पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के निकट फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थान नाम्पा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहते हुए सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में समाहित हो जाती है। छोटा नागपुर का पठार डी एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ियों के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का यह एक हिस्सा है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जितने लोग देखते हो वीडियो को उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो।